Now I knew ki my mistake was that I took CSAT for granted and I did not work on my weakness, which was maths. So failure is when you do not work on your weakness. So I made up my mind ki okay, every day I would practice, and I did that. Now Rajendranagar comes with its own set of challenges. Managing the landlord, managing the neighborhood disturbances, the shitty food, electricity bills, and there are a lot of things. सो आपकी आधी एनर्जी उसमें चली जाती है एंड उसके बाद होता है कि यार आप अकेले पढ़ जाते हो बिकॉज UPSC एक्ट्स लाइक अ फिल्टर यू नो द अननेसेसरी पीपल गेट आउट ऑफ योर लाइफ ओनली रियल फ्रेंड्स हु एक्चुअली यू नो दे हैव द बेस्ट विशेज फॉर यू एंड हु एक्चुअली वॉन्ट टू स्टे बाई योर साइड ओनली दे रिमेन तो थोड़ा आइसोलेटिंग हो जाता है बट स्टिल फॉर्चुनेटली आई हैड गुड पीपल अराउंड मी एंड आई डिड माई प्रेपरेशन So another thing about Rajendranagar is it can be intimidating because you know aap book lene bhi jao to there are thousands of people you can see in the market all over when you go for classes Vajiram ke ek class mein there are 600 700 people so my thing always was ki wo race ka ghoda hota hai jiske side mein dono blinders hote hain ki bas jo objective hai usko dekhna hai side mein kuch nahi dekhna hai so I never used to compare myself ki ha kaun kitna padh raha hai main kitna padh rahi hu Because I always had this one thing in mind that I'm different, you know, I'm very different from everybody else. Everybody else is different. कोई दूसरा क्या कर रहा है उससे मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता तो बहुत बार होता है कि लोग चाय पीने जाते हैं चाय की टपरी पे जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है तुमने कितना किया मैंने इतना किया ये मटेरियल पढ़ लो वो पढ़ लो उससे जितना गाइडेंस नहीं होता है उससे ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है इंटिमिडेशन हो जाता है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो मेरा इतना सेट था कि एक बार जो सोर्सेज डिसाइड हो गए हैं वही पढ़ना है उसी पे फोकस करना है एंड टू थ्री पीपल आई यूज टू बी इन टच विद ऑफ माय बैचमेट्स हु वर प्रिपेयरिंग बस उतना बहुत ज़्यादा गाइडेंस से वो मिस गाइडेंस हो जाता है तो दैट हैपेंड एंड 2017 का प्रीलिम्स आई क्वालिफाइड तो प्रीलिम्स के बाद फिर अगेन मेंस में देर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम एंड द मॉक टेस्ट विच यू आर सपोज टू गिव इन मेन्स दैट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज बिकॉज आई केप्ट वेटिंग कि नहीं सिलेबस कंप्लीट करना है कंप्लीट करना है Now that is an advice which I would want to give. You don't wait for your syllabus to get over. Start writing mock tests as much as possible.